हाँ तो बच्चों ये उसी के आगे का है टॉपिक, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत आ गई, इसलिए उसी के आगे का है। ठीक है, देखिए क्या होता है उदाहरण। अमी मूल में चूरन चारों, समन सकल भव बुध परिवारों। समन सकल भव बुध परिवार। ये चौपाई छंद का उदाहरण है। क्या है? चौपाई छंद का उदाहरण। तो हमने कुछ नियम बताए हैं कि हम मात्राएं कैसे निकालते हैं। इसमें देखिए लास्ट में सबने गुरु हमने लिखा है, इसमें देखिए अंत में गुरु का होना अच्छा माना जाता है। चाहो तो लिख सकते हो अंत में गुरु का होना अच्छा माना जाता है। ठीक, तो इसमें लास्ट में तुमको सम्यक गुरु मिलेगा, परागा अनुरागा और चारों परिवारों। ठीक, दूसरी चीज हमने बताया कि इसमें तुक समान होती है, परागा अनुरागा चारों परिवारों। ठीक, तो ये तुक मतलब समान होती है चारों चरणों में। चार चरण, कितने चरण है? चार चरण, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। देखिए मात्राएं कैसे निकालते हैं, हमने कब बताया था कि छोटा छोटी छोटा ऊ। ठीक, और चंद्र बिंदु की एक मात्रा होती है, ये लघु वर्ण है। ठीक, और बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ और ये अंक और आहा, इनकी जो है गुरु मात्रा होती है। कौन सी मात्रा होती है? गुरु। तो देखिए कैसे निकालते हैं, बन्नो इसकी तुम्हारी दो हो जाएगी, दा की एक हो गई और एक छोटा ऊ की, बन्नो गुरु, बंदव गुरु है, गुरु नहीं है गुरु, पद पदुम परागा। देखो गिनो कितनी है, दो दो चार दो छह दो आठ दो दस 11 12 13 14 15 16, कितनी मात्राएं निकली? 16। ठीक, अब इसमें देखिए सूरज सुरुचि सुवास, सुरुचि सुवास सरस अनु रागा। देखिए शुरू जी सब छोटे हैं, छोटा हुआ है ये भी छोटा हुआ है, और ये छोटी मात्रा है इसमें छोटा हुआ, इसमें बड़ा मात्रा लगी, इसमें गुरु मात्रा है। ठीक, सरस सब सिंगल है, अनुराग है दोनों सिंगल है, लास्ट भी में दोनों में गुरु मात्रा लगेगी। देखो कितनी है, एक हाँ इधर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16, तो इसमें भी 16 निकले। अब इधर देख लीजिए, अमी तीन मूरी में चूरन चारों, समन सकल भाव रुद्र परिवार है। समन में कितनी, इधर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15, हमें सॉरी इसमें डबल लगेंगे, बड़ा हुई मात्रा है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16, समन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14 16। ठीक, तो हमने लिखा है कि इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं? 16 16 मात्राएं होती हैं। ठीक, और चरण के अंत में जगड़ अथवा तगड़ यानी ये मात्राएं नहीं निकल सकती, प्रथम अथवा द्वितीय चरणों में तुक समान होती है। ठीक, ये देखिए तुक दिए हुए हैं, तुक है ये। ठीक, ये समान होती है, अंत में दो गुरु का होना अच्छा माना जाता है। देखिए दो गुरु इसमें भी है ये, ठीक दो गुरु इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो अंत में दो गुरु का होना अच्छा माना जाता है। चीज समझ में आए? ठीक, स्पष्टीकरण चाहो तो लिख सकते हो। इस उदाहरण में चार चरण हैं,
चार चरण हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, 16-16 मात्राएं हैं। अंत में दो रूप हैं, अंत में दो गुरु वर्ण लिखा है। गुरुपद पदम ये चारु, ये बड़ा हुआ है और ये जो तुम्हारा है ये छोटा हुआ है। ठीक, ये बड़ा हुआ होता है, ये छोटा हुआ होता है। ठीक, प्रत्येक चरण के अंत में यज्ञ है। चौपाई छंद है, कौन सा छंद है? चौपाई छंद। ठीक, तो आज के लिए एक ही छंद, कल अगला दूसरा छंद पढ़ाएंगे जो कि होगा दोहा। ठीक, दोहा छंद। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।